आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए परमजीत ढाबे से अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है। मामले में एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि सी निवास के पास स्थित परमजीत ढाबे पर अवैध शराब बेची जा रही है। मामले में आबकारी शिवपुरी और गुना की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बताया गया स्थान पर दबिश दी। यहां से अवैध हाथभट्टी शराब 30 लीटर और 6 पेटी गुआ व 1 पेटी किंग फिशर जब्त की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक कोई परमजीत ढाबा है पास में ही सिकनवास गांव के पास में, वहां पे अवैध शराब बेची जा रही है। उसके तहत शिवपुरी के साथ गुना और ग्वालियर की टीम ने आबकारी की टीम ने वहां पे दबिश दी और दबिश में वहां पे हम लोग को 30 लीटर एक कैन में हाथ भट्टी शराब मिली है। इसके साथ में 6 पेटी गोवा की मिली है, 1 पेटी किंग फिशर की मिली है और 1 पेटी मैकडबल की मिली है। इसके अलावा भी थोड़े अन्य मात्रा में अन्य भी शराब जब्त हुई है। जो अंग्रेजी शराब सर कहाँ की बताई जा रही है? इसमें कुछ यूपी की भी है और कुछ राजस्थान की भी है। क्या कीमती शराब को? इसकी कीमत तो देखिए सबकी अलग अलग है और लगभग अगर सारी शराब की कीमत आंकी जाए तो लगभग 50,000 रुपये के आसपास आएगी। इसमें सर जो देसी शराब पकड़ी है इसमें कोई ऐसी जहरीली शराब तो नहीं है? नहीं, अभी प्राथमिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते, उसको लेबोरेटरी भेजेंगे, इसके बाद क्लियर। आरोपी कितने पकड़े हैं? इसमें मेन आरोपी एक ही पकड़ा हुआ है। और फिर महिलाओं को भी पकड़ा गया था सर? नहीं, महिलाएं तो वहाँ उपस्थित थी, तो चूँकि महिलाओं का उसमें पास में वो थी तो हम प्राथमिक रूप से लेके आए थे उनको। जब ये पता चला कि इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको अलग कर दिया गया है। जो मेन आरोपी था जिसके कब्जे से माल जब्त हुआ है वो एक आरोपी है।